हेलो फ्रेंड्स, आज की ग्रैंड एंट्री मेरी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लगन गढ़वाली फैमिली। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो, और उसमें मैं आपको दिखाऊंगी एक कुर्ती जो कि अनस्टिच है। मैंने काफी देर से वो लेके रखा था कपड़ा, लेकिन मैं सिल नहीं पाई, उसको मैंने सिलना है। तो आज मैंने कहा चलो मैं सिल भी देती हूँ कुर्ती, और साथ ही साथ वीडियो बना के आपको भी दिखा देती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ, यह है अस्तर कुर्ती का, लाइनिंग वाली कुर्ती है। और ये है ना, मैंने कपड़ा लिया था तो, लेकिन अभी तक मतलब काफी देर हो गई इसको लिए, साल ही हो गया होगा, पर अभी तक इसको मैं बना नहीं पाई। तो आज मैं इसकी आपको दिखाऊंगी कटिंग वगैरह, प्रॉपर डिटेलिंग में तो नहीं बताऊंगी, लेकिन कटिंग करके स्टिच होने के बाद पहन के भी दिखाऊंगी कैसे सिली। बाकी कमेंट करके आप बताना कि भाई कैसे सिली, बढ़िया सिली, कैसी है। तो इसमें कपड़ा ये है, 3-3.5 मीटर है। अगर कपड़ा बच गया तो मैं लगन की भी बना दूंगी, अगर नहीं बचा तो फिर अपनी ही बनाऊंगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वर्क की वजह से ना इसकी लेंथ काफी छोटी हो रही है, तो इसमें मुझे जोड़ डालना पड़ेगा, इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना पड़ेगा। तो वो मैं लास्ट में देखूंगी, मतलब कैसे डिजाइन बनाऊं। इसके ऊपर भी नहीं है डिजाइन और नीचे भी नहीं है, उसकी वजह से कपड़ा जो है काफी छोटा है। तो ऐसे में बन सकता था पूरा, लेकिन ऐसे में डिजाइन जो है वो ऐसे में नहीं है, अच्छा नहीं लगना। डिजाइन जो दिया हुआ ऐसे में दिया है, तो इसलिए मेरे को ऐसे में ही बनाना पड़ेगा। उसके बाद मैं दिखाऊंगी जोड़ डाल के भाई लेंथ बढ़ाने के लिए इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा जोड़ डाल के, तो कितना मतलब क्या होता है, कैसे लगता है, सब दिखाऊंगी। तो कपड़ा बिछाने के बाद अब हम लेंगे नाप और कटिंग शुरू। फ्रेंड्स, जो मेजरमेंट करने के बाद मैंने जो कपड़ा जितना मेरे को चाहिए उतना मैंने कटिंग कर लिया है। अभी फिलहाल ये दो पल्ले हैं, एक आगे का एक बैक साइड का, इनको हम अलग अलग कर लेंगे। ये जो इन्होंने एक्स्ट्रा वेस्ट किया ना कपड़ा, जिनमें इसमें वर्क नहीं दिया, फोल्ड करने के लिए दिया, लेकिन ये मेरे को कटिंग करके इसमें कुछ और करना पड़ेगा। काफी कपड़ा इन्होंने ये वर्क ना दे के ना काफी वेस्ट किया है, तो मैंने ये पल्ले अलग अलग कर लिए हैं। अब इनकी गले की पहले कटिंग पहले शोल्डर की कटिंग होगी। तो गाइस, अब हम मम्मी का इंटरव्यू लेंगे। मम्मी, आपको स्टिचिंग पसंद है? पसंद है, पर टाइम नहीं लगता, बस फर्क ये है। अच्छा, आपकी हॉबी है सिलाई करना? नहीं नहीं, हॉबी मतलब ठीक है, अपना टाइम पास के लिए करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ जिंदगी में। आपने सिलाई कब सीखी थी मम्मी? मैंने सीखी थी जब 10th के पेपर दिए थे, उसके बाद जो छुट्टियां होती हैं, 10th में पेपर जल्दी हो जाते हैं, तो जो छुट्टियां होती है 1.5 महीने की एक्स्ट्रा, उसमें मैंने सिर्फ 1 महीना सिलाई सीखी है। उसके बाद मैं घर में सिलती रहती थी, ऊपर से यूट्यूब तो जिंदाबाद, यूट्यूब में डिजाइन नए नए आते रहते हैं, उसमें सीखती रहती हूँ। तो मतलब क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, फ्री रहना थोड़ा मेरे को कम ही पसंद है, तो मैं कुछ नया नया कुछ क्रिएटिव करने की सोचती रहती हूँ, तो इसलिए मेरे को आती है। अगर मैं छोड़, जैसे 10वीं के बाद से मैंने सिलाई अगर मैं नहीं करती तो शायद मेरे को याद भी ना होता कि भाई कटिंग कैसे करते हैं। थोड़ा बहुत याद रहता है, इतना नहीं, क्योंकि ये हाथ के जो काम होते हैं, इस पे जितनी प्रैक्टिस की जाए उतना ही जो काम है, कभी खैर भूलते तो नहीं है, लेकिन जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतना ही सफाई से काम होता जाता है ये। अब मैं पहले शोल्डर जो अपने ये है बाजू आर्म होल से उसका नाप ले लेती हूँ। तो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है वी नेक, तो मैं वी नेक ही बनाऊंगी। पंखा बंद करके वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि एक तो उसमें वॉइस क्लियर नहीं आती है अगर फैन चला लो, और दूसरा कपड़ा कटिंग करते हुए फैन ऑन करूंगी तो ये कपड़ा ना उड़ता रहेगा हवा की वजह से। अभी फ्रेंड्स, बाकी सारा सूट तो मैंने कटिंग कर लिया है, बाजुओं की कटिंग रह गई है, लाइनिंग वगैरह भी मैंने कटिंग करके रख दी है, और ये बाजुओं की कटिंग रह गई है। बीच में मेरे को उठना पड़ा क्योंकि हस्बैंड जी का आज घर से काम चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम है, तो उन्होंने मेरे को बोला ब्लैक कॉफी बनाने को, तो मैंने कहा चलो लग गया, एक कप उनके लिए एक कप अपने लिए बना लेते हैं।
तो गृहस्थी में तो ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, अगर आप फैमिली के साथ हो, मतलब हस्बैंड घर पे हैं, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, तो फिर कभी कोई कुछ बोलता है कभी कुछ, तो गृहस्थी पहले है, ये सब काम बाद में है। तो मैंने अब ब्लैक कॉफी बना ली है, अब ये पीते हैं, उसके बाद मैं करूंगी बाजू में कटिंग। और सूट सिर्फ मैं आज कटिंग करके रखूंगी, स्टिच कल करूंगी, क्योंकि एक ही दिन में सारा नहीं होता। अगर तो मैं प्रॉपर यही काम करती तो ये मेरा जल्दी काम हो जाता, लेकिन कभी कभी करना होता है तो फिर फ्रेंड्स थोड़ा टाइम लग जाता है। वैसे मैंने हाफ आवर में पूरा सूट की जो है कटिंग कर ली है, तो अब ये कल सी लेंगे, मतलब कल स्टिच करके मैं आपको बताऊंगी। इसकी बाजू कटिंग तो मैं कर लूंगी, उसकी मैं वीडियो मतलब बंद कर रही हूँ आज की, तो कटिंग कर लूंगी, सारा कटिंग करके रख दूंगी। जो स्टिच वाली वीडियो है वो मैं कल बनाऊंगी। अभी हम लेते हैं कॉफी के मजे, ब्लैक कॉफी बनाई है, किस किसने पीनी है आ जाओ। तो चलिए फिर हम आपको अब कल मिलते हैं दोबारा। फाइनली मैंने सूट सिल दिया है, ये वाला। चलो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो मैंने ये डिजाइन, अब मैं पहन के भी दिखाऊंगी। ये जो शॉर्ट थी ये देखो फ्रेंड्स, नीचे मैंने जोड़ डाल के इसको लॉन्ग कुर्ती बना दिया। और इसका ना थोड़ा सा कपड़ा बचा था, डिजाइन वाला तो नहीं बचा था, ऐसे प्लेन में बचा था, उसकी मैंने बनाई है लगन के लिए कुर्ती, मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। ये कपड़ा मेरे पास था तो ये इसके साथ मैच हो गया, ऐसे करके फिर मैंने थोड़ा डिजाइन बनाया है। तो अब ना दोनों हम पहन के आते हैं, मैं और लगन। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनली सूट सिल गया है। अब वैसे तो मेरे को ना किसी का भी जैसे स्टिच करवाऊं सूट वगैरह पसंद नहीं आते हैं, तो मुझे अपने सिले हुए कपड़े पसंद आते हैं। और इसका मैंने वी नेक रखा है क्योंकि आजकल फैशन में है वी नेक। तो बताना फ्रेंड्स, कमेंट करके बताना कि भाई बढ़िया सिली है कुर्ती या नहीं। और थोड़ा मैं लूज लूज पहनती हूँ इसलिए मैंने लूज ही सिली। तो इसके साथ ही मैंने पजामे भी पहन लिया, मैंने कहा चलो साथ में पैंट भी पहन लो वाइट, ताकि प्रॉपर जो है ड्रेस वो आपको दिखाई दे। लगन का दिखाती हूँ अब मैं, तो ये देखो मुंह में घुसा रहे हो मेरे। तो इसका कपड़ा इतना ही बचा था इसलिए मैंने ये नीचे ऐसे डिजाइन डाल दिया और ऊपर ऐसे कर दिया, बैक साइड में भी सेम और आगे भी। और नेक इसका भी वी दिया मैंने, जैसे मैंने खुद का बनाया है। तो कमेंट करके बताना फ्रेंड्स कैसे बनाया है कुर्ता, सही सिला है मैंने। कमेंट करके ये भी बताना कि कौन सा सुंदर लग रहा है। लगन बोल रही है कमेंट करके ये भी बताना कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है। आप ही सुंदर लग रहे हो। थैंक यू। मैं भी लग रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। और कमेंट करके बताना फ्रेंड्स का मतलब कितने में लिया होगा मैंने ये कपड़ा कुर्ती का, और अब सिलने के बाद कितने का लग रहा है ये भी बताना। तो वहां कहाँ चलेगी। तो आई होप के फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलूंगी आपको नई वीडियो के साथ, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करना। और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलूंगी आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।